गुड इवनिंग दोस्तों, मैं मुलायम सिंह यादव, अराइज स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा, आज के टॉपिक में बात करेंगे एंटोमोलॉजी का, जो कुछ फैक्ट्स है उनको लेकर अपन क्लास में मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो आज की क्लास के अंदर जो आपका कीट विज्ञान है, कीट विज्ञान से कुछ रोचक जो तथ्य है, रोचक क्वेश्चन है, वो आपके सामने मैं लेके हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा एंटोमोलॉजी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो आपका एंटोमोलॉजी है, एंटोमोलॉजी की बात सबसे पहले अपन बात करते हैं। एंटोमोलॉजी क्या होता है? तो जो कीट विज्ञान होता है, कीट विज्ञान को अपन एंटोमोलॉजी कहा जाता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो आपका एंटोमोलॉजी है, एंटोमोलॉजी की बात करते हैं, ये किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ एंटोमोलॉजी है वो आपके ग्रीक भाषा का शब्द है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहला जो लाइन है आपके लिए कि एंटोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया है, जहां कल्चर लगता है वो लेटिन वर्ड है, जहां पर लॉजी या लोगस लगता है वो क्या है, आपका ग्रीक वर्ड है। उसके बाद में फादर्स ऑफ एंटोमोलॉजी जो है, फादर्स ऑफ एंटोमोलॉजी है लेफ्रॉय, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर्स ऑफ एंटोमोलॉजी कौन है आपके? लेफ्रॉय है। आपसे पूछा जाए कीट विज्ञान के जो पितामह है वो है, वो कौन से हैं? लेफ्रॉय। कीट जो विज्ञान है वो किस भाषा का शब्द है आपके? ग्रीक भाषा का। उसके बाद में देखिएगा किस फसल में सर्वाधिक कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, आपको जानकर ये हैरत होगा कि सबसे ज्यादा जो इंसेक्टिसाइड का जो यूज है वो मोस्टली किस क्रॉप के अंदर किया जाता है? तो यहाँ पर जो कपास की फसल है, कपास की फसल में सर्वाधिक कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुल इंसेक्टिसाइड का लगभग 54% जो यूज है वो अकेले कपास की क्रॉप के अंदर किया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अपन जैसे 100 किलोग्राम इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं, जिसमें से अकेली जो आपका कॉटन है उस कॉटन के ऊपर लगभग 54 kg जो है वो अकेली कपास के ऊपर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो भारत में सर्वाधिक जो इंसेक्टिसाइड का यूज है वो कौन सी क्रॉप के ऊपर किया जाता है, तो वो क्रॉप कौन सी है दोस्तों आपके? वो कपास है। उसके बाद में विरचोला आइसोक्रेट किस फल का नासिक कीट है? तो देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे विरचोला आइसोक्रेट क्या है। देखो, इसे अनार का तितली कह सकते हैं, ये यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे। अनार का जो तितली है, इसका जूलॉजिकल जो नेम है वो क्या है? तो विरचोला आइसोक्रेट जो है वो मोस्टली अनार का जो तितली है वो किस फसल के ऊपर लगता है? तो जैसे नाम से अपने को पता चल रहा है, ये जो तितली होता है अनार के ऊपर ये अटैक करता है, और अनार के ऊपर एक हानिकारक या हानि के रूप में ये इंसेक्ट होता है। उसके बाद में देखिएगा, लास्ट है आपका, लास्ट लाइन में हेलिकोर्वापा आर्मी जेरा। सबसे पहले अपन बात करेंगे जो हेलिकोर्वापा जो आर्मी जेरा है के नियंत्रण के लिए, हेलिकोर्वापा आर्मी जेरा जो चने की सुंडी होता है उसका आपके जंतु वैज्ञानिक नाम है हेलिकोर्वापा आर्मी जेरा, के नियंत्रण के लिए कौन सा रोगाणु काम में लिया जाता है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो चना है, चने के अंदर जो आपका पोड बोरर होता है, चने की फली छेदक होता है, या चने की जो सुंडी होती है, ये क्या होता है? जो फली होता है उस फली के अंदर जो उपस्थित जो दाने हैं उनको क्या करता है? डैमेज करता है, जिसको जिससे क्या होता है, किसान को आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे चने की सुंडी को नष्ट करने के लिए एक होता है एनपीवी जो है न्यूक्लियोपोलीहाइड्रोसिस जो वायरस है, ये रोगाणु के रूप में काम में ली जाती है। तो ये जैसे एनपीवी जो होता है ये इसका इसके ऊपर छिड़काव करेंगे तो जो आपका हेलिकोर्वापा आर्मी जेरा इंसेक्ट होता है उसको बिल्कुल क्या किया जा सकता है, वहां से नष्ट किया जा सकता है। तो ये आपका जो है ध्यान रखिएगा, चने का सबसे हानिकारक कीट हेलिकोर्वापा आर्मी जेरा, उसको नष्ट करने के लिए एनपीवी वायरस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ट्राइकोग्रामा परजीवी किसके प्रबंधन के लिए उपयोग में लिया जाता है? तो दोस्तों, यहाँ पर अपन बात करेंगे जो ट्राइकोग्रामा है, यहाँ पर ट्राइकोग्रामा परजीवी किसके प्रबंधन के लिए यूज किया जाता है। एक दिन मैंने पहले भी आपको क्लास में बताया, एक होता है ट्राइकोडर्मा, एक होता है ट्राइकोग्रामा। ट्राइको जो डर्मा होता है एक प्रकार का मित्र फफूंद होता है, जो कवक जनित बीमारियों के कंट्रोल के लिए उसकी 6 से 8 ग्राम मात्रा प्रति केजी बीजों को उपचारित करने के लिए काम में ली जाती है। वहीं जो आपका ट्राइकोग्रामा है ये एक अंड परजीवी है, जो अंड परजीवी है ये चीलो इन्फेक्ट केटल्स के लिए यूज किया जाता है, ये चीलो इन्फेक्ट केटल्स के लिए यूज किया जाता है।
उसके बाद में सेकंड लाइन के अंदर देखेगा कपास की फसल का सबसे भयंकर जो कीट है वो कौन सा है। तो दोस्तों आपको पहले भी पता होगा कपास की फसल के लिए सबसे जो भयंकर कीट है वो कौन सा है, पिंक बॉल वर्म है। और इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, जैसे आपने देखा होगा जो कपास के प्लांट की जो बॉल है उस बॉल के अंदर ये क्या करता है, स्पॉट करता है, छेद करता है और उस होल के अंदर जो आपकी यहाँ पर जो लिंट वगैरह है, जो बिलोने हैं, उसको क्या कर देता है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय करता है ये। इसलिए कपास के अंदर, कपास की फसल से पिंक बॉल वर्म के कारण बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली नुकसान होता है, किसान बहुत ज्यादा यहाँ पर आर्थिक नुकसान झेलता है। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट जो है, प्रिकली पियर खरपतवार का नियंत्रण किस कीट द्वारा किया जाता है। जो प्रिकली पियर खरपतवार का जो नियंत्रण है वो डेक्टाइलोपियस टोमेंटोरस, आपसे पूछा जाए प्रिकली पियर खरपतवार के नियंत्रण के लिए किस कीट का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर डेक्टाइलोपियस टोमेंटोरस जो इंसेक्ट है उसका यूज किया जाता है। ये एक प्रकार का बायो एजेंट के रूप में कार्य करता है। बायो एजेंट की अपन बात करेंगे कि वो कीट या वो जीव जो स्पेशल फोर जाति के वीड को नष्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो प्रिकलीपियर वीड है इसको नष्ट करने के लिए डेक्टाइलोपियस जो है उसका इंसेक्ट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर डेक्टाइलोपियस है वो एक प्रकार के बायो एजेंट का कार्य करता है, या इसे मित्र कीट की संज्ञा भी अपन देते हैं। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट जो लाइन है वो है आपके पार्थेनियम घास का नियंत्रण किस कीट के द्वारा किया जाता है। तो आपने जब खरपतवार नियंत्रण का टॉपिक पढ़ा उसके अंदर आपने देखा होगा खरपतवारों का जो बायोलॉजिकल कंट्रोल था कुछ मित्र कीटों के द्वारा, मित्र फफूंद के द्वारा अपन क्या करते हैं, जैसे खरपतवार को नष्ट करते हैं। तो पार्थेनियम जो घास होता है जिसे गाजर घास के नाम से जानते हैं, ठीक है, गाजर घास, या अपन बात करेंगे कांग्रेस घास से भी इसको जाना जाता है, या ये खरपतवारों का राजा है। तो गाजर घास को नष्ट करने के लिए जाइगोग्रामा बाइकलराटा जो आपका मित्र कीट है या बायो एजेंट है इसका यूज किया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। यदि बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर सबसे ज्यादा मैं क्वेश्चन की बात करूं एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो सबसे ज्यादा गाजर घास को नष्ट करने के लिए किस बायो एजेंट का यूज किया जाता है, वो बायो एजेंट कौन सा है दोस्तों, आपका जाइगोग्रामा बाइकलराटा। उसके बाद में अपन बात करते हैं परजीवी परपोषी कीटहारी के उपयोग संबंधी अध्ययन को कहते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा परजीवी परपोषी एवं कीटहारी के उपयोग संबंधी अध्ययन जो है उसको अपन बायोलॉजिकल कंट्रोल के नाम से इसको जाना जाता है। बायोलॉजिकल जो कंट्रोल होता है कि यहाँ पर कोई भी इंसेक्ट है या कोई भी आपका जैसे इंसेक्ट के कंट्रोल के लिए अपन परजीवी परपोषी और कीटहारी का यूज किया जाता है, तो वो जो आपका कीट नियंत्रण का बायोलॉजिकल जो कंट्रोल होता है उसके अंदर सम्मिलित है। तो यहाँ पर जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है यह है इसका आंसर। यहाँ पर देखिएगा भारत की सबसे बड़ी जो मधुमक्खी है आपने देखा होगा एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया, एपिस डोरसेटा, एपिस मेलिफेरी, यहाँ पर मधुमक्खी की चार जातियां आती है। तो उन चार जातियों में से भारतीय जो मधुमक्खी है उसमें सबसे बड़ी जो प्रजाति है वो कौन सी है दोस्तों, आपके एपिस डोरसेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के और आने वाले एग्जाम के अंदर, यहाँ से आज की क्लास में से एक या दो क्वेश्चन आने वाले हैं। इसलिए सभी स्टूडेंट्स हैं अपनी नोटबुक को आप वीडियो के सामने रखिएगा ताकि आप इनको कई जो फैक्ट है या स्क्रीनशॉट लिया करो इसका, ताकि आप कई चीजों को थोड़ा सा क्लियर कर सके। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों अधिकतर सूक्ष्म जीव किसके द्वारा कीट के शरीर में प्रवेश करते हैं। तो अपन बात करते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवों की बात करते हैं, सूक्ष्म जीव किस माध्यम से कीटों के शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो सबसे बड़ा जो माध्यम है वो क्या है, भोजन। आपने देखा होगा कि जो बासा भोजन होता है या कुछ समय के लिए रखा हुआ भोजन है उसके अंदर सूक्ष्म जीव प्रवेश करते हैं और उस सूक्ष्म जीव उस भोजन को यूज करते हैं तो कीट के शरीर के अंदर क्या होते हैं, वो पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा हरे रंग का मस्कार्डिन कवक है, आपसे पूछा जाए हरे रंग का मस्कार्डिन जो कवक है वो कौन सा है, तो यहां पर अपन बात करेंगे मेटाराइजियम एनिसेफेली। तो आपका हरे रंग का मस्कार्डिन जो कवक है वो कौन सा है, मेटाराइजियम एनिसेफेली। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सूक्ष्म नियंत्रण शब्द का प्रयोग, ठीक है, जो आपका सूक्ष्म नियंत्रण जो शब्द है इसका जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम 1900
49 के अंदर किसके द्वारा किया गया, तो सूक्ष्म कंट्रोल जो होता है यहाँ पर अपन बात करेंगे, जो माइक्रो जो आपका कंट्रोल होता है, माइक्रो कंट्रोल शब्द का जो 1949 के अंदर सर्वप्रथम स्टेनहास है इसके द्वारा इसका शब्द का यूज किया गया है। उसके बाद में आलू का हानिकारक कीट जो खेत और भंडारण दोनों जगहों पर नुकसान पहुंचाता है। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि आलू की फसल, खड़ी फसल और भंडारण दोनों अवस्थाओं में नुकसान पहुंचाने वाला जो इंसेक्ट है वो कौन सा है, तो यहाँ पर देखिएगा जो आलू की जो खड़ी फसल और भंडारण दोनों अवस्थाओं में नुकसान पहुंचाने वाले इंसेक्ट की बात करेंगे तो वो इंसेक्ट है आपका पोटेटो ट्यूबर मॉथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके एग्जाम के अंदर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, खड़ी फसल और भंडारण दोनों के अंदर नुकसान पहुंचने वाला जो इंसेक्ट है वो कौन सा है, आपका पोटेटो ट्यूबर मॉथ। उसके बाद में अपन बात करेंगे, नेक्स्ट आता है सर्वप्रथम तंबाकू की पत्तियों में उपस्थित निकोटीन एल्कलॉइड की कीटनाशी विशेषता का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है वो ये कह रहा है कि देखो आपका जो टोबेको है, तंबाकू है, तंबाकू की पत्तियों में पाए जाने वाला जो निकोटीन है, इस निकोटीन एल्कलॉइड को कीटनाशक विशेषताओं के रूप में सबसे पहले इसका अध्ययन करने वाला जो साइंटिस्ट था तो वो कौन सा था, तो पासलेट व रेमान ने 1828 के अंदर ये बताया तंबाकू के अंदर पाया जाने वाला जो निकोटीन होता है ये इंसेक्टिसाइड का कार्य करता है, ये कीट नियंत्रण के लिए भी काम आता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे फेरोमोन को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर अपन बात करेंगे फेरोमोन्स क्या होते हैं, तो देखिएगा दोस्तों फेरोमोन्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा विपरीत सेक्स को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हार्मोन्स को फेरोमोन्स कहा जाता है। आपने देखा होगा जिसे कीट नियंत्रण के लिए मुख्यतः कई प्रकार के हार्मोन्स का यूज किया जाता है क्योंकि उसमें मादा का हार्मोन रहता है और उस पास फेरोमोन पास में मादा का जो ल्यूर होता है, हार्मोन होता है, वो क्या करता है नर को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए उस पास में आकर वो जो इंसेक्ट है वो क्या हो जाता है, फंस जाता है और वहां पर जो उपस्थित इंसेक्टिसाइड है उसके द्वारा उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये भी एक प्रकार का कीट नियंत्रण के लिए बहुत बड़े स्तर पर आजकल इसका यूज किया जाता है। तो देखो फेरोमोन्स जो शब्द है उसको अन्य एक्टो हार्मोन्स के नाम से भी अपन जानते हैं। ये खास क्वेश्चन है आपके लिए, जो आपका फेरोमोन्स है फेरोमोन्स को एक्टो हार्मोन्स के नाम से भी अपन जानते हैं। उसके बाद में अपन बात करेंगे सफेद लट, ठीक है, पहले बात करते हैं सफेद लट का जो वैज्ञानिक नाम है होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया। तो जो आपका होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया जो सफेद लट के नाम से आप जिसको जानते हो और ये मूंगफली की फसल का सबसे हानिकारक इंसेक्ट है, ये अंडे कहाँ देता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोस्टली जो ऐसे जो कीट होते हैं जो मिट्टी के अंदर अंडे देने का कार्य करता है, तो ये ज्यादातर आपने देखा होगा ब्लूई जो मर्दा होती है, ब्लूई मर्दा के अंदर ये ज्यादा जो है अंडे देना पसंद करते हैं। तो देखिएगा बलुई मिट्टी में 7.5 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पर जो है ये अंडे देने का काम करता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया सफेद लट, व्हाइट गर्ब, सी गर्ब, तो ये जो है मोस्टली अंडे कहाँ देता है, ब्लूई जो सैंडी सॉइल होता है, सैंडी सॉइल के अंदर 7.5 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पर ये अंडे देने का कार्य करते हैं। एक दोस्तों नेक्स्ट है आपका राइनिया किससे प्राप्त होता है, तो राइनिया है राइनिया स्पीशियोसा पौधों की जड़ों से प्राप्त होता है जो क्या होता है एक इंसेक्टिसाइड का कार्य करता है। उसके बाद में इरियास वाइटेला किस फसल का नाशक कीट है, तो यहाँ पर इरियास जो वाइटेला जो इंसेक्ट है वो आपकी कपास की फसल का मुख्य कीट है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा इको फ्रेंडली कीटनाशी कौन सा है, जो इको फ्रेंडली कीटनाशी की बात करेंगे पारिस्थिति का जो एक दोस्त है वो कीटनाशी कौन सा है, तो यहाँ निम्बिसिडीन जो है, निम्बिसिडीन का मतलब ये होता है कि ऐसा इंसेक्टिसाइड जो पारिस्थितिक तंत्र को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाता, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे इंसेक्टिसाइड है जिनके कारण जो है इकोसिस्टम के अंदर काफी नुकसान हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या है आपका, ये आपका एक बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड है और ये मोस्टली आपका जो टोबेको है, टोबेको की लीव से प्राप्त किया जाता है, तंबाकू की पत्तियों से ये प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पर ये है। उसके बाद में देखिएगा कीट प्रबंधन पेस्ट मैनेजमेंट शब्द किसने दिया, तो आपका पेस्ट मैनेजमेंट होता है कीट प्रबंधन है ये किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, तो गियर नामक एक वैज्ञानिक था, गियर नामक वैज्ञानिक ने 1970 के अंदर ये दिया।
ठीक है, तो आप पेस्ट मैनेजमेंट जो शब्द है वो गियर नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1970 के अंदर ये आपके दिया गया। उसके बाद में देखिएगा कीटनाशी अधिनियम कब पारित हुआ। जो कीटनाशी अधिनियम है, एक बार पहले भी मैंने क्लास के अंदर जो क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाए हैं उनके अंदर मैंने इसके बारे में विवरण दिया है आपको। कीटनाशी अधिनियम जो है वो 1968 के अंदर पारित हुआ है आपके। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कीटनाशी अधिनियम कब पारित हुआ, तो दोस्तों उसका आप राइट आंसर बताओगे 1968। दोस्तों आपको बातों बातों में एक बात और बताना चाहूंगा, जो 29 सितंबर का आपका जेट का एग्जाम है, जेट के एग्जाम के अंदर पिछले 2 साल के अंदर अपन बात करते हैं तो आपका जो एंटोमोलॉजी पार्ट है, कीट विज्ञान से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास और इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास में डालने वाला हूँ वो सारी की सारी क्लास एंटोमोलॉजी से रिलेटेड है। तो आप सभी स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों क्लासों को देखिएगा। मेरा जो प्रयास रहेगा कि प्रत्येक अपना जो स्टूडेंट है वो एंटोमोलॉजी जो डिपार्टमेंट से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए वो क्वेश्चन आप कंप्लीटली आप उसको सही 100% उसको राइट करें, इसलिए वहां पर आपको विशेष फोकस रखना है। उसके बाद में देखिएगा आपका एनपीवी, तो एनपीवी की बात करेंगे। एनपीवी का फुल फॉर्म जो है वो क्या है, तो न्यूक्लियोपोलीहाइड्रोसिस वायरस जो होता है जो चने की सुंडी को नष्ट करने के लिए मोस्टली अपन काम में लेते हैं वो है ये। एक होता है आपका जीवी, तो जीवी की बात करेंगे ये है ग्रेनुलोसिस वायरस, जो जीवी है ग्रेनुलोसिस वायरस होता है इसका पूरा नाम है। उसके बाद में सीपीवी का पूरा नाम देखिएगा, तो सीपीवी के पूरे नाम की बात करेंगे साइटोप्लाज्मिक पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। यहाँ पर सीपीवी है साइटोप्लाज्मिक पॉलीहाइड्रोसिस जो वायरस है ये इसका पूरा नाम है, और ये भी आपके इंसेक्ट कंट्रोल के लिए मोस्टली काम आता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल का एक पार्ट है ये। उसके बाद में देखिएगा एनआरसी फॉर आईपीएम, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अपन बात करेंगे नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट, तो इसका अपन पूरा नाम बताना चाहे समन्वित कीट प्रबंधन, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है, इसका इंस्टीट्यूट है वो कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये आपके नई दिल्ली के अंदर स्थित है आपका एनआरसी ऑफ आईपीएम, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, समन्वित जो कीट प्रबंधन है ये आपका मुख्यालय जो है नई दिल्ली के अंदर स्थित है ये। उसके बाद में देखिएगा डायरेक्टेड प्रोजेक्ट ऑफ आईपीएम, आईपीएम की अपन बात करेंगे वही आपका आई इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है इसका डायरेक्टेड जो प्रोजेक्ट है वो आपके बेंगलोर के अंदर कर्नाटका के अंदर वो लगाया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा कीटों के जैविक नियंत्रण की पूर्ण सफलता की दर कितने प्रतिशत है, तो यहाँ पर देखिए अपन बात करेंगे कीटों के जैविक नियंत्रण की पूर्ण सफलता की दर कितनी है। जो आपका इंसेक्ट का जो बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल की सफलता की जो दर है वो कितनी है दोस्तों, ये 16% है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि एक मैकेनिकल कंट्रोल होता है, एक आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है, एक आपका फिजिकल कंट्रोल ये केमिकल कंट्रोल होता है, तो इनमें से सबसे ज्यादा जो बेटर होता है वैसे देखा जाए तो इंसेक्ट को नष्ट करने के लिए शीघ्रता से अपन नष्ट करना चाहे तो केमिकल कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन केमिकल कंट्रोल क्या होता है अपने इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र के बहुत ज्यादा नुकसानदायी होता है, इसलिए अपन ज्यादा से ज्यादा इसको बायोलॉजिकल कंट्रोल के द्वारा भी अपन इसको क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, जिससे क्या है पारिस्थितिक तंत्र को इसके द्वारा कोई नुकसान नहीं होता। तो आने वाले समय में अपने को ये भी ध्यान में रखना होगा कि पारिस्थितिकीय जो परिस्थितियां हैं उसको बैलेंस में रख के किसी भी इंसेक्ट को क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो आजकल इसका बहुत ज्यादा ट्रेड है और बहुत सारे आपने देखा होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत बायोपेस्टिसाइड तैयार किए जा रहे हैं जिससे जो है पर्यावरण को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मिल सके। आपने देखा होगा नीम के ऊपर, धतूरा के ऊपर, आपके टोबेको के ऊपर बहुत सारे रिसर्च किए जाते हैं, बहुत सारे जंगली प्लांट है, पायरेंथ्रम है, उसे भी अपने क्या है बहुत सारे इंसेक्टिसाइड प्राप्त किए जा रहे हैं। तो वो क्या है, उससे जो आपका इकोलॉजिकल जो बैलेंस होता है वो ऐसे कैसे बना रहता है, इसलिए यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो यहाँ पर देखिएगा कीटों के जैविक नियंत्रण की पूर्ण सफलता के लिए जो दर है वो कितनी आपके 16% ये दर है। उसके बाद में देखिएगा रेड पॉइजन है, तो रेड पॉइजन जो है रेड पॉइजन की अपन बात करेंगे,
जैसे मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी पॉइजन है, कोई भी विष है उसे, या कोई भी इंसेक्टिसाइड है, तो उसके ऊपर क्या होता है, रेड यदि वहां पर लोगो लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो अति तीव्र विष है, बहुत ज्यादा तीव्रता वाला जहर है, और उसका यदि किसी ने यूज कर लिया तो वो कभी जिंदा नहीं रह सकता। तो ये बहुत अति विषैला प्रभाव वाला रेड पॉइजन जो है आपके Zn3P2, तो जिंक फॉस्फेट है, ये आपका क्या है, रेड पॉइजन है, बहुत ज्यादा विषैला है। उसके बाद में देखिएगा सर्वप्रथम संश्लेषित पायरेथ्रॉइड की खोज किसने की, तो सर्वप्रथम संश्लेषित पायरेथ्रॉइड की जो खोज है वो 1972 में इलिवोट व साथी नामक वैज्ञानिकों के द्वारा की गई। सर्वप्रथम संश्लेषित पायरेथ्रॉइड की खोज 1972 में इलिवोट व साथियों ने मिलकर की। उसके बाद में डीडीटी जो आता है आपका, डीडीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पहला इंसेक्टिसाइड है। डीडीटी की जो खोज है जिडलर नामक वैज्ञानिक ने 1876 के अंदर डीडीटी की खोज की थी। उसके बाद में बेंजीन हेक्जा क्लोराइड बीएससी जो है, बीएससी का पूरा नाम, तो यहाँ पर बेंजीन हेक्जा क्लोराइड, और इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों वो है आपका C6H6Cl6, ठीक है। तो आपका बेंजीन हेक्जा क्लोराइड है, इसका जो फॉर्मूला है वहां पर C6H6Cl6 है। उसके बाद में देखिएगा हाल ही में कौन से कीटनाशी पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। तो अपन बात करेंगे, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि इसके कारण क्या है, पारिस्थितिकीय तंत्र को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, इसके कारण कुछ जो बहुत सारे इंसेक्टिसाइड है उसके ऊपर बैन लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है, और वो व्यापारिक रूप से मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होते, लेकिन फिर भी लोग चोरी छिपे इनके ऊपर क्या करते हैं, इनको इनका निर्माण करते हैं, जो कि क्या है, कानूनी रूप से एक अवैध है। तो यहाँ पर देखें हाल ही में कौन से कीटनाशी पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो फॉस्फोडिमेटोन पर, जो फॉस्फोडिमेटोन है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। एक नेक्स्ट है आपके दीमक के नियंत्रण हेतु कौन सा कीटनाशी उपयोग में लिया गया है, तो आपका देखिएगा जो टर्मिस होता है, टर्मिस की अपन बात करेंगे, दीमक के कंट्रोल से अपन कंट्रोल के लिए मोस्टली क्लोरोफायरीफॉस का यूज किया जाता है। तो आपसे पूछा जाए दीमक का जो कंट्रोल है, दीमक के कंट्रोल के लिए मोस्टली किसका यूज किया जाता है दोस्तों, तो दीमक के कंट्रोल के लिए क्लोरोफायरीफॉस का यूज किया जाता है। फोरेट का व्यापारिक नाम क्या है, जो फोरेट है, फोरेट के व्यापारिक नाम की बात करेंगे, फोरटॉक्स फोरेट है, फोरेट का जो व्यापारिक नाम है फोरटॉक्स है। किस सब्जी द्वारा सर्वाधिक कीट ग्रहण किए जाते हैं, तो किस सब्जी के द्वारा सर्वाधिक कीट ग्रहण किए जाते हैं, तो यह है आपकी भिंडी के, है ना। वहां पर अपन क्रॉप की बात कर रहे थे, कपास, ठीक है, सब्जी के अंदर अपन बात करेंगे तो ये किसके ऊपर करते हैं अपन, भिंडी के ऊपर। मनुष्य सब्जियों के लिए सबसे सुरक्षित कीटनाशक कौन सा है, मनुष्य जो सब्जियों का यूज करता है उसके ऊपर सबसे सुरक्षित इंसेक्टिसाइड जो है वो कौन सा है दोस्तों, मेलाथियन है। तो यहाँ पर कल भी मैंने इसके ऊपर डिस्कस किया था। उसके बाद में देखिएगा आइसीरिया परचेसाई का सफलतापूर्वक जो प्रयोग है, नियंत्रण किसके विरुद्ध किया गया, तो लेडी बर्ड बीटल जो होता है उसके, लेडी बर्ड बीटल के कंट्रोल के लिए आइसीरिया परचेसाई का सफलतापूर्वक यूज किया गया है। उसके बाद में सरसों का चेपा माहू पर परजीवी है, तो सरसों के चेपा और माहू पर परजीवी है कॉक्सिनेला, ठीक है। तो ये कॉक्सिनेला क्या है, उसके ऊपर परजीवी है और इनको क्या करता है, नष्ट करने का ये कार्य करता है। प्रकाश पास किस गण के कीटों में सबसे अधिक प्रभावी है, मैंने पहले भी क्वेश्चन बताया है जब मैंने क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाया है, तो लेपिडोप्टेरा जो गण के इंसेक्ट होते हैं उनके ऊपर ये सबसे ज्यादा प्रभावी है। फेरोमोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो देखो फेरोमोन शब्द है जो मैंने अभी बताया, जो आपका एक्टो हार्मोन्स है, कार्लसन ब्यूटेनॉल्ड जो 1959 है, उसने इसका यूज किया है। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों सोरगम सूट फ्लाई अंडे कहाँ देती है, तो सोरगम सूट फ्लाई है, सोरगम की बात करेंगे, जो जवार है, जवार का तना जो मक्खी है वो अंडे कहाँ देती है, तो ये जवार की जो तना मक्खी है ये पत्ती की निचली सतह के ऊपर क्या करती है, अंडे देने का कार्य करती है। तो आपने देखा होगा अंकुरण अवस्था के ऊपर जो जवार का जो तना मक्खी है ये अटैक करता है, और सर्वहारी नासी कीट है हेलिकोर्वपा आर्मीजेरा, बात करेंगे हेलिकोर्वपा आर्मीजेरा, ऊपर में भी अपन इसके ऊपर डिस्कस करे हैं।
तो जो चने का जो फली छेदक होता है हेलिकोरुवपा आर्मिजेरा है, जो क्या है आपका सर्वनाशी कीट है, सभी को नष्ट करने का कार्य करता है। कीटों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो कीटों के अंदर उत्सर्जन का जो कार्य है दोस्तों वो मेलपी की नलिकाओं के द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको तो आप वेरी वेरी मोस्ट डालिएगा, काफी बार आपकी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में सिर के अंतः कंकाल को कहते हैं, जो आपने देखा होगा इंसेक्ट का जो सिर का अंतः कंकाल होता है इसे अपन क्या बोलेंगे, टेंटोरियम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर का जो कंकाल होता है टेंटोरियम के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे आज के। टिड्डे में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं? तो देखो जो ग्रास ऊपर होता है आपका हाइरोग्लाइपस निग्रोरिप्टेलस, जिसका नाम है टिड्डे का जो नाम है हाइरोग्लाइपस निग्रोरिप्टेलस नाम है, तो इसमें मुखांग जो होते हैं काटने और चबाने वाले होते हैं। ये भी कई बार पूछा जाता है कि जो टिड्डा होता है टिड्डे के जो मुखांग होते हैं वो कैसे होते हैं, काटने और चबाने वाले। उसके बाद में जब मूंगफली की फसल में जगह जगह पीले धब्बे दिखाई दे तो किस कीट की आक्रमण की संभावना अधिक होती है? तो देखिएगा दोस्तों, मूंगफली की फसल में जब जगह जगह पीले धब्बे दिखाई देते हैं, आपको येलो स्पॉट दिखाई देते हैं, तो आप समझिएगा कि उसके अंदर होलोट्रेकिया कॉन्सनगुनिया, और इसको अपन बोलेंगे सफेद लट। होलोट्रेकिया कॉन्सनगुनिया जो होती है सफेद लट का उसके ऊपर क्या है जो सर्वाधिक प्रभाव है। तो इस प्रकार से आज की जो क्लास थी, आज की क्लास के अंदर बेसिक हमने एंटोमोलॉजी के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर विस्तारित रूप से एंटोमोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स आज की मेरी क्लास ले रहे हैं तो उन स्टूडेंट से मेरी अपील है कि आगामी क्लास को आप ना भूलिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा 5 से 6 क्वेश्चन आपके एंटोमोलॉजी से पूछे गए हैं, इसलिए आपकी एग्जाम के लिए से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन फिर से हाजिर होंगे। जय राइज, जय राजस्थान, जय किसान।